बच्चों मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्रोमेटिक एबरेशन इन लेंस। एक्चुअली ये लेंसेज में एक तरह का डिफेक्ट है ना, तो डिफेक्ट इन लेंस। तो फंडामेंटली ये है क्या चीज वो मैं बता दूं कि क्रोमेटिक एबरेशन इज अ डिफेक्ट इन लेंसेज ड्यू टू विच डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बी फोकस्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स। देखिए क्या होता है, अलग अलग कलर अलग अलग पॉइंट पर फोकस होते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये आपके पास में एक लेंस है। अब लेंस मेकर फॉर्मूला से आप जानते हैं, एक मिनट जरा, मान लीजिए ये आपके पास में एक लेंस है। अब लेंस मेकर फॉर्मूले से आप क्या जानते हैं कि इसकी फोकल लेंथ कुछ होती है, तो 1/ फोकल लेंथ क्या होती है, म्यू माइनस 1/r1 - 1/r2। ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, करेक्ट। अब इस लेंस मेकर्स फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखते हो तो 1/f (μ-1), इसका मतलब f (1/μ-1) μ-1 ये है ना। अच्छा अब देखिए, आपको मैंने पढ़ाया था कॉचीज फॉर्मूला। तो कॉचीज फॉर्मूले में मैंने क्या पढ़ाया था, कॉचीज फॉर्मूला में मैंने पढ़ाया था म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर नॉट इक्वल टू अप्रोक्सीमेट। इसका मतलब लैम्डा इज ग्रेटर मींस म्यू इज लेस। तो लैम्डा वॉयलेट कलर इज लीस्ट देन, फिर लैम्डा येलो, फिर लैम्डा रेड, इस तरह आता है ना विबग्योर। तो लैम्डा रेड सबसे ज़्यादा होता था, जब लैम्डा रेड सबसे ज़्यादा होता था तो म्यू वॉयलेट सबसे कम होगा, नेचुरल है ना, म्यू रेड सबसे ज़्यादा होगा। आपको जैसे अभी भी बताया ये चीज, अब देखो जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसका फोकल लेंथ कम होगा, है ना। तो एक मिनट, ये उल्टा लिख दिया ना अपन, म्यू वॉयलेट इज ग्रेटर देन म्यू रेड, राइट। जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसका फोकल लेंथ कम होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट विल बी लेस देन फोकल लेंथ ऑफ रेड, विबग्योर बीच में बनते रहेंगे। कुल मिलाकर के अगर ये एक वाइट ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई वाइट चीज़ है, उसको हमने यहाँ रख दिया, अब इस वाइट के अलग अलग इमेज बनेगी जिसमें वॉयलेट वाली इमेज सबसे पहले बनेगी और फिर रेड वाली इमेज सबसे लास्ट में बनेगी। तो यहाँ पर इस तरह का सीन बनेगा कि यहाँ रेड बनेगा और यहाँ वॉयलेट बनेगा, राइट right? बीच में आपके सारे कलर बनेंगे। दिस इज कॉल्ड एज क्रोमेटिक एबरेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ एबरेशन। आपके एग्जाम में काफी बार वो सवाल पूछते हैं, कैलकुलेट द रेंज ऑफ एबरेशन, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मैं कैलकुलेट कर देता हूं रेंज ऑफ एबरेशन और फिर इसको, मतलब इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो अच्छा नहीं है ना। अब जैसे मान लो एक आदमी कोई बेचारा सफ़ेद कपड़े पहन करके खड़ा है, सोचो क्या हाल हो जाएगा जिंदगी का। कोई सफ़ेद कपड़े पहन करके खड़ा है, अब उसको अलग अलग कलर का आदमी दिखाई दे सामने वाले को, तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। तो ये एक रेंज, अब हम दो बातें करेंगे, पहले हम करेंगे रेंज ऑफ एबरेशन की कैलकुलेशन, जिसमें हम ये निकालेंगे कि कितनी दूर में एबरेशन होता है, और फिर हम इसको क्या करेंगे कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो वो दोनों काम हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं रेंज ऑफ एबरेशन। देखो ना, रेंज ऑफ एबरेशन जब मैं कैलकुलेट करता हूं ना, तो मैं कह दूंगा कि रेंज ऑफ एबरेशन इज fr - fv, है ना, fr - fv, दिस इज रेंज ऑफ एबरेशन। तो मैं इसको बड़े आराम से कैलकुलेट करूंगा, देखना अभी कैसे करेंगे रेंज ऑफ एबरेशन।
देखो मैंने आपको पढ़ाया था, ये तो हमें आज कैलकुलेट करना है, ये तो हमारा टास्क है आज का। मैंने आपको मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर पढ़ाई थी, डिस्पर्सिव पावर ऑफ एनी मटेरियल, एनी मटेरियल क्या पढ़ाया था जी? डिस्पर्सिव पावर ऑफ एनी मटेरियल हमने पढ़ाया था आपको, म्यू फॉर द वॉयलेट कलर माइनस म्यू फॉर द रेड कलर अपॉन म्यू येलो माइनस वन। म्यू येलो को हम मीन कलर कहते थे, येलो को हम मेन कलर कहते थे। देखिए अभी हमने कहा वन अपॉन एफ बराबर म्यू माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, करेक्ट। अब इसमें देखिए आर वन आर टू तो लेंस की ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है, आर वन आर टू क्या है, लेंस की ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी जो कभी बदलती नहीं है, लेकिन एफ बदलेगा और म्यू बदलेगा। तो जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो मैं कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएट। इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये आएगा माइनस डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर, और ये म्यू माइनस वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा डी म्यू, और ये आ जाएगा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर, राइट बेटे। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर वन और इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर टू। मैं एक काम कर रहा हूँ, इक्वेशन टू में वन से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो जब मैं इक्वेशन टू को वन से डिवाइड करूंगा देखिए क्या हाल हो जाएगा। तो इक्वेशन टू इज बीइंग डिवाइडेड बाय वन, तो आप देखिए डी एफ अपॉन एफ आ जाएगा और डी म्यू अपॉन म्यू माइनस वन आ जाएगा, बस ये आ जाएगा। अब डी म्यू अपॉन म्यू माइनस वन ये पता है आपका, ये ओमेगा है, इसी को डी म्यू कहते हैं, म्यू वॉयलेट माइनस म्यू आर, इसको हम डी म्यू कह सकते हैं, चेंज इन म्यू है ना। और ये म्यू येलो यानी कि म्यू माइनस वन है, म्यू येलो को केवल येलो म्यू कह देते हैं क्योंकि एवरेज ही कैलकुलेट करते हैं हम मैक्सिमम कैसे। तो ये आपका क्या आ गया एक तरीके से डी म्यू अपॉन म्यू आ गया ना यहाँ पे, एफ स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे एफ स्क्वायर है, तो नहीं सॉरी ये तो एफ ही आएगा ना, सिंगल एफ आएगा ना, ये आपका ओमेगा आ गया। कुल मिलाकर के डी एफ जो है ना ये आपके पास में आ गया है ओमेगा इंटू एफ। इस डी एफ को हम कहते हैं डी सॉरी एफ रेड माइनस एफ आर, मतलब इसके अंदर वेरिएशन ये हुआ, इट इज इक्वल टू ओमेगा, इसे कहते हैं रेंज ऑफ एब्रेशन। कभी भी आपको रेंज ऑफ एब्रेशन कैलकुलेट करना हो तो सिंपली आपको उस मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर पता होनी चाहिए और फोकल लेंथ ऑफ लेंस पता होनी चाहिए, तो आपके पास रेंज ऑफ एब्रेशन आ जाएगा, करेक्ट। तो देखिए रेंज ऑफ एब्रेशन के लिए हमने बड़ा सिंपल सा काम किया, कुछ जोरदार काम नहीं किया, बहुत बड़ा काम नहीं किया है, लिखा इसको डिफ्रेंशिएट किया भाग लगा दिया और वहाँ से हमने ओमेगा निकाल के रख दिया, बस खत्म है ना। तो आप एक बार जो है चेक कर लीजिए। अब हम बात करेंगे हाउ टू गेट रिड ऑफ एब्रेशन है ना, तो हाउ टू ओवरकम द एब्रेशन, हाउ टू ओवरकम द एब्रेशन, द क्रोमेटिक एब्रेशन है ना। इसे कहते हैं, अच्छा इसी को कहते हैं टू मेकिंग एक्रोबेटिक लेंस कॉम्बिनेशन, टू मेक एक्रोबेटिक लेंस कॉम्बिनेशन, एक्रोमेटिक लेंस कॉम्बिनेशन। अब जब ये एक्रोमेटिक लेंस कॉम्बिनेशन आ गया ना तो देखिए हम क्या करेंगे, हम हमारे पास में ये चीज़ तो है ही, देखो अभी अभी हमने किया वन अपॉन एफ बराबर क्या म्यू माइनस वन और क्या था वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू था ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज़ डिस्कस की, वो क्या थी डी एफ अपॉन एफ इट इज इक्वल टू व्हाट ओमेगा, क्या था ना देखो डी एफ अपॉन एफ इक्वल टू ओमेगा। ये डी एफ अपॉन एफ इक्वल टू ओमेगा जो है ये एक लेंस के लिए हमने निकाल के रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है कि एकदम क्रोमेटिक एबरेशन को ख़त्म करना है, तो हम दो लेंस काम में लेंगे, एक लेंस लेंगे कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा लेंस लेंगे कॉन्केव लेंस, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, एक जिसको डाइवर्स करेगा दूसरा उसको कॉन्वर्स कर देगा, कुल मिलाकर के सेटिंग बैठ जाएगी। तो देखिए हम क्या करते हैं कि सपोज वी कंबाइन
we combine two lenses of focal length, focal lengths f1 and f2. देखो ये दो लेंस फोकल लेंथ f1 एंड f2 है. मैंने आपको बता दिया क्या कि एक कॉन्वेक्स रखेंगे एक कॉनकेव रखेंगे, लेकिन हम इस चीज़ को डेराइव करने के टाइम पे अपनी तरफ से नहीं मानेंगे कि कॉन्वेक्स कॉनकेव है. हम तो एट रैंडम मान लेंगे कोई भी लेंस, फिर देखेंगे रिजल्ट अपने आप आ जाएगा. तो देखिए रिजल्ट क्या है, 1/F इट इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2. ये दो लेंस की बात हो गई. अब मैं इनको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, कर दूँ तो देखो मैं डिफ्रेंशिएट जब करूँगा तो मैं कहूँगा कि इट इज -df/f2, इट इज -df1/f1, इट इज -df2/f2. देखिए हमने df/f को ओमेगा लिख दिया है ना, ओमेगा लिख दिया. तो क्या होगा कि मैं यहां पर इस वाली चीज को जीरो लिखने जा रहा हूं, इस वाली चीज को. तो पुट df इक्वल टू जीरो, वाई क्योंकि इसी को हमें जीरो करना है. रिजल्टेंट जो फोकल लेंथ में डिफरेंस आने वाला है इट शुड बी जीरो, क्योंकि क्रोमेटिक एब्रेशन यही चीज आने वाली है रिजल्टेंट. अगर इसको हमने जीरो कर दिया तो बस जीरो हो गया. इसका मतलब ये चीज आप कर दीजिए जीरो, तो जीरो इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा df1/f1² प्लस df2/f2². अब जब आप इसे df/f1 के हिसाब से लिखेंगे ना, तो इसमें आप देखेंगे क्या लिखेंगे, df1/f1² इसको लिखेंगे ω1/f1 और इसको लिख देंगे ω2/f2. दिस इज द कंडीशन ऑफ एक्रोबेटिक एब्रेशन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एक्रोमेटिक लेंस है ना. दिस इज द कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, कंडीशन फॉर क्रोमेटिक, मतलब फॉर एक्रोमेटिक लेंस, फॉर एक्रोमेटिक लेंस. दो लेंस मिलकर के एक सिंगल लेंस बनेगा, ऐसा बनेगा. अब देखिए यहां पे बड़ी क्लियर हो रही है, अपने आप ही बात क्लियर हो रही है. क्या ω1 f1 = −ω2 f2, अपने आप क्लियर हो गया ना कि भैया एक अगर कॉन्वेक्स होगा दूसरा अपने आप कॉनकेव बनेगा, तभी बात बनेगी नहीं तो बनेगी नहीं. तो ये आपका क्रोमेटिक एब्रेशन की सारी डिस्कशन थी. इस क्रोमेटिक एब्रेशन के डिस्कशन में हमने क्या किया, रेंज ऑफ एब्रेशन निकाला और कंडीशन ऑफ क्रिएटिंग एक्रोमेटिक लेंस.